हे दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं प्रसाद वेद पाठक, आप ही की तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक। और आज मैं अनबॉक्स और रिव्यू करूंगा बोट की ओर से रॉकर्स 255 इन ईयरफोन्स का। सबसे पहले इनकी पैकेजिंग देख लेते हैं। फ्यूल्ड बाय पैशन आगे यहां पे एम्बॉस्ड लिखा हुआ, पीछे की बाजू आपको जैकलिन फर्नांडिस दिखाई देंगी। तो टारगेट इन ईयरफोन्स का डेफिनेटली जिमिंग और वर्कआउट करने वाले लोग हैं। नीचे कुछ और डिटेल्स मिलेंगे आपको, जिनके बारे में आगे मैं बात करने ही वाला हूं, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। साइड में आपको बोट की ब्रांडिंग मिलेगी, दूसरे साइड में आपको मिलेंगे बोट के सोशल मीडिया हैंडल्स। स्पीकिंग ऑफ सोशल मीडिया हैंडल्स, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। निचली बाजू आपको इंपोर्टर की डिटेल मिलती है, उसी के साथ प्राइस टैग जो है 2,990 रुपए। पर अमेजोन पे आपको ये ईयरफोन्स 1,499 रुपए के मिलेंगे, और अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो लाइटनिंग डील में आपको 999 रुपए के भी मिल सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक हमेशा की तरह नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए पहले तो इस प्लास्टिक से इन ईयरफोन्स को निकाल लेते हैं। बहुत ही ज्यादा खराब क्वालिटी का है ये। 1,500 रुपए की ईयरफोन्स की पैकेजिंग पे बोट को थोड़ा सा खर्चा करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। ईयर टिप्स के बारे में कहना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, यकीनन इन्हें पहन के बहुत मजा आने वाला है। उसके अलावा आपको एक मिलेगी अन्य प्रोडक्ट लिस्ट, जिसमें आपको बोट के और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। उसी के साथ अब उसके अलावा आपको मिलेगा वारंटी कार्ड। बोट के सभी ईयरफोन्स 1 ईयर की वारंटी के साथ आते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। एक और छोटा सा पैम्पलेट आपको मिलेगा, जिसपे रॉकर 255 इन ईयरफोन्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक ये ईयरफोन्स आते हैं कॉलकॉम CSR8635 इस चिपसेट के साथ, ब्लूटूथ वर्जन 4.1 के साथ आते हैं ये। उसी के साथ आपको मिलेगी 110mAh की बैटरी, 10mm के ऑडियो ड्राइवर्स। ये ईयरफोन्स IPX5 प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, यानी कि ये स्वेट और वाटर रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट इस वर्ड पे जोर देना चाहता हूँ, प्रूफ नहीं है, रेजिस्टेंट है, इस चीज का ध्यान रहे। उसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको मिलती है एक चार्जिंग केबल। चार्जिंग केबल की लंबाई कुछ ज्यादा ही छोटी लगी हमें। और फाइनली अब देख लेते हैं ईयरफोन्स की तरफ। फर्स्ट इंप्रेशंस में कहना चाहूंगा काफी हल्के हैं। सटीक तौर पे कहें तो 27 ग्राम वजन है इनका। ईयरफोन हाउसिंग मेटल में डिजाइंड है, बहुत ही एलिगेंट सी दिखने वाली चैम्फर्ड एज के साथ आते हैं। बोट का लोगो भी बहुत अच्छा दिखता है इन पर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो ईयरबड्स है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। स्पीकर ग्रिल आप देख सकते हैं, जो कि प्लास्टिक में बनी हुई है। रबराइज्ड ईयर सपोर्टर्स को आप आसानी से निकाल सकते हैं, इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी लगी हमें। ईयरफोन हाउसिंग मेटालिक होने के साथ साथ मैग्नेटिक भी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ईयरफोन हाउसिंग और वायर के बीच में एक छोटा सा रबराइज्ड पोर्शन है, जो कि यकीनन इस जोड़ को मजबूती देगा। ये ईयरफोन्स ग्रीन और ब्लैक के अलावा प्लेन ब्लैक और रेड कलर में भी अवेलेबल हैं। ईयरफोन की जो टैंगल फ्री टाइप केबल है, उसकी क्वालिटी और बेहतर हो सकती थी। केबल और नेक बैंड के राइट वाले पोर्शन के बीच में आपको एक रिमोट कंट्रोल मिलेगा, जिसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स और पावर ऑन ऑफ बटन देखने मिलेगा। उसी के साथ आपको एक LED लाइट भी देखने मिलेगा। पिछली बाजू आपको बोट की ब्रांडिंग देखने मिलेगी, और साइड में आपको एक माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। लेफ्ट साइड वाले पोर्शन पे सिर्फ आपको आगे पीछे बोट की ब्रांडिंग दिखाई देगी। इस रबराइज फिनिश वाले प्लास्टिक के पोर्शन के आगे आपको एक नेक बैंड दिखाई देगा। नेक बैंड की क्वालिटी हमें काफी अच्छी लगी। आप इन ईयरफोन्स को बहुत ही आसानी से ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। इन ईयरफोन्स की एक अच्छी बात यह है कि एक ही समय पर आप दो मोबाइल फोन से भी इन ईयरफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इन ईयरफोन्स को पहनना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। ईयरफोन्स बहुत ही ज्यादा हल्के होने के कारण आप इन्हें पूरा दिन भी पहने रह सकते हैं। इन ईयरफोन्स में ईयर सपोर्ट होने के कारण आप इन्हें आसानी से वर्कआउट करते समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल डिजाइन और ईयर सपोर्ट्स के कारण आपको एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील मिलती है इन्हें पहनने पर। इन ईयरफोन्स को शुरू करने पर आपको एक मेल वॉइस सुनाई देगी। मेल वॉइस पर मैं जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पे चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड ईयरफोन्स में आपको एक चाइनीज लड़कियों वाली आवाज सुनाई देती है, तो इस बार आपको इन ईयरफोन्स में कुछ हटके मिलेगा। ईयरफोन्स पे दिए रिमोट कंट्रोल को इस्तेमाल करके आप कॉल आंसर या डिक्लाइन कर सकते हैं। उसी के साथ गाने प्ले एंड पॉज करना, वॉल्यूम कम ज्यादा करना, ट्रैक्स चेंज करना और वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट करना, ये सभी काम भी कर सकते हैं। तो अगर हमें इन ईयरफोन्स को जज करना होगा तो सबसे पहले बात करेंगे इनकी बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी के मामले में हमें ये ईयरफोन्स ठीक ठाक लगे हैं, इतनी भी ज्यादा हमें इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं लगी है। वायर्स की क्वालिटी और ज्यादा बेहतर हो सकती थी। ईयरफोन हाउसिंग मेटालिक और मैग्नेटिक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ईयर सपोर्ट्स भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट देते हैं आपको कानों में। LED लाइट की फंक्शनिंग और प्लेसमेंट हमें काफी अच्छी लगी। लुक्स की अगर बात कर ले तो बोट ने कुछ ज्यादा ही ब्रांडिंग कर दी है। इस एक प्रोडक्ट पर अगर आप गिन ले तो गुल मिला के 5 लोगोज आपको मिलेंगे। उसके अलावा ये ईयरफोन्स हमें लुक्स के मामले में काफी अच्छे लगे हैं, स्पेशली ये ग्रीन और ब्लैक वेरिएंट, जो कि हमारे मर्चेंडाइज के साथ मैच करता है। अगर आप हमारा मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। कंफर्ट की अगर बात कर ले तो ये ईयरफोन्स बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। उसी के साथ जो ईयर टिप्स है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। बैटरी लाइफ की अगर बात कर ले तो 110mAh की बैटरी आती है इन ईयरफोन्स में। इस बैटरी को आप 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। फुल चार्ज होने पर आपको ये कंटिन्यूस 5 to 6 आवर्स का प्लेबैक देती है। फास्ट चार्जिंग होने के कारण सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग के साथ आपको
45 मिनट्स का प्लेबैक मिल सकता है। तो बैटरी के मामले में कहना पड़ेगा ये ईयरफोन्स बहुत अच्छे हैं। कॉल क्वालिटी की अगर हम बात कर ले तो उतने ज्यादा सेटिस्फाइड हम नहीं थे कॉल क्वालिटी के मामले में। इन ब्लूटूथ ईयरफोन्स की 15 से 20 फीट की रेंज है, तो उस रेंज के अंदर आपका डिवाइस रहे तो ठीक ठाक सी कॉल क्वालिटी आपको मिलेगी। आप जब कॉल रिसीव करेंगे तभी ये ईयरफोन्स वाइब्रेट नहीं होते। अगर वाइब्रेटिंग फीचर बोट ऐड कर देता तो अच्छा होता। कनेक्टिविटी पे अगर मैं फोकस कर लूँ तो एक अच्छी बात इन ईयरफोन्स की यह है कि एक समय पर आप दो डिवाइसेस के साथ इन्हें पेयर कर सकते हो, पर ऐसा करने पर हमने ऑब्जर्व किया है कि जो साउंड है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होता है। अगर एक डिवाइस पे आप गाना प्ले कर रहे हो और दूसरे डिवाइस पे आपको प्ले करना है तो पहले वाले को आपको पॉज करना होगा, तभी जाकर दूसरे डिवाइस का जो गाना है वो आपको सुनाई देगा। अब आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं जो कि है इनकी साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी के मामले में बोट ने जैसे कहा है कि HD साउंड आपको मिलेगा विद सुपर एक्स्ट्रा बेस, तो जी हाँ, बेस आपको बहुत अच्छा मिलेगा इन ईयरफोन्स पे। तो अगर आपको हैवी बेस थम्पिंग सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं तो आपको ये ईयरफोन्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं, पर उसी समय आपको वोकल्स, मिड्स और लोज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, साउंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के गाने अच्छे लगते हैं। तो ये जो ईयरफोन्स है ये खास तौर पे हिप हॉप, पॉप, ट्रांस और हाउस म्यूजिक के पसंद वाले लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपने हाई एंड ईयरफोन्स कभी इस्तेमाल नहीं किए तो आप लोज, मिड्स, वोकल्स में इतना ज़्यादा फर्क पहचान नहीं पाएंगे और आप इन ईयरफोन्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अगर आप वर्कआउट करते समय ईयरफोन्स पहनना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अभी मार्केट में। ओवरऑल रेटिंग की अगर बात कर ले तो हम इन ईयरफोन्स को देना चाहेंगे 7.5 out of 10। अगर आप ये ईयरफोन्स खरीदना चाहते हैं तो इनकी बेस्ट बाय लिंक आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मैं प्रसाद वेद पाठक आपसे विदा लेना चाहूंगा और फिर मिलूंगा ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन, डू रिमेंबर टू सर्व बिफोर यू स्वाइप, एंड इफ यू डोंट नीड यू डोंट बाय। बाय बाय। Shot nahi gaya bancha. Noise cancellation seems to be pretty nice. Bancha, main shot nahi gaya tha. Ho gaya mera shoot. We need to pack up now. What are you doing? See you on UIC Vlogs, guys.